हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लनवे दीदीमन। आरपीएससी की तरफ से जो है वो गुड न्यूज है, आज दो रिजल्ट जारी किए हैं एक साथ। पॉलिटिकल साइंस का स्कूल लेक्चरर्स का रिजल्ट जारी हुआ है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। साथ में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट जारी हुआ है, कट ऑफ मार्क्स भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं, कुल 20 बच्चे जो हैं यहाँ पर पास हुए हैं और इनको जो है बुलाया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और कट ऑफ जो अगर आप देखेंगे तो आप चौंकाने वाली कट ऑफ आपको दिखेगी। यहाँ पर जनरल में जो है वो 249.88 कट ऑफ गई है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो आप देखो कितना ज्यादा अंतर है, 186.31। ठीक है, एससी की 190 है, ईडब्ल्यूएस की तो इनसे भी कम गई है। एसटी की 167.59 गई है, ओबीसी की 219.66 गई है। ठीक है, तो इतना जो है वो अंतर आ रहा है, ये दो गुना बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा। तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आप लोग अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे रिजल्ट की, तो दूसरा रिजल्ट है पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, तो कितनों को जो है वो शामिल करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो रोल नंबर जो है वो आप पहले देखें बहुत आराम से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रोल नंबर है इनसे आप मिलान करें, वीडियो को पॉज करें और अपना रोल नंबर यहाँ पर देखें। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो है वो काफी बच्चे जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, और सभी बच्चे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का यहाँ पर रोल नंबर है, सभी बच्चे अपने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल तैयार कर लें। कैटेगरी वाइज यदि आपने फॉर्म डाला था तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप जो है तैयार करवा लें, क्योंकि अब देर नहीं लगेगी आप लोगों को, क्योंकि जहां पर मेहनत की जाती है तो वहां पर फल भी जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो वीडियो को पॉज करके अपना रोल नंबर देखें। पॉलिटिकल साइंस में काफी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखाई देगा, और आप लोगों को जो है वो अपना रोल नंबर जरूर यहाँ पर दिखाई देगा जिन बच्चों ने मेहनत की है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुल कितने बच्चे जो है यहाँ पर जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप अपना रोल नंबर जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे फटाफट से जो है वो रोल नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगी, टोटल 1383 बच्चे जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर इनके रोल नंबर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यह सूची जो है वो चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्था सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। ठीक है, ये याद रखना, दो गुना बच्चे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में ही अगर कोई कमी आती है तो उन बच्चों को जो है वो बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कैसे डॉक्यूमेंट में, अगर जैसे कि किसी के जो है वो फादर नेम में जो है थोड़ी सी मिस्टेक है या सर नेम में कोई मिस्टेक आ रही है, तो बिल्कुल भी उनको बाहर नहीं किया जाता है, इस चीज से आप बिल्कुल जो है वो निश्चिंत रहें। लेकिन जिसकी जो है वो कहते हैं कि गलत तरीके से जो है, जो बच्चे जो है वो रिजल्ट लेकर और फिर मार्कशीट लेकर जो है वो दिखाते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर जो है किसी ने जो है कैटेगरी वाइज जो है वो गलत फॉर्म डाल दिया हो, उस कैटेगरी में वो नहीं आता है फिर भी उसने गलत बनवा लिया है, ठीक है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी मार्कशीट में कोई मिस्टेक है नाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको जो है वो केवल एफिडेविट जो है वो लग जाता है, इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो आप पॉलिटिकल साइंस में देखो, जनरल की 209.13 गई है, वुमेन की अलग गई है 193.66। तो ये तो ये समझिए कि ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो जनरल में मेल या फीमेल दोनों की एक ही कट ऑफ गई थी, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हो जनरल में वुमेन की अलग है, विडो की जो है यहाँ पर कोई सीट नहीं, डीवी, ठीक है, डिवोर्स जो है 190.31 गई है। वहां ईडब्ल्यूएस में तो और भी ज्यादा अच्छा है, इतनी कम कट ऑफ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 184.68। ठीक है, तो ये समझिए 40% जो है वो मानकर चल रहे थे, उससे भी कम जो है वो कट ऑफ जा रही है। एससी जो है इनकी 159.03 है, एसटी की 164.55 है, ओबीसी की 181.92 है, एमबीसी की जो है 188.88 है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के जो है वो 144.32 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी कम जो कट ऑफ जो है वो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कितनी कम कट ऑफ जाएगी। और यहाँ पर यदि आपका रोल नंबर है तो आप एक बार जो है वो दोबारा से जो है वो नजर यहाँ पर डालें, अपना रोल नंबर जो है वो बहुत तसल्ली से जो है एक एक नंबर जो है वो मिलान करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट तैयार आप कर लें, क्योंकि ये जो अवसर आपको मिला है
यहाँ पर जो आपको मौका मिला है इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है आपको, आपकी जो है वो लाइफ अब बिल्कुल बनने ही वाली है। फर्स्ट ग्रेड का जो लेक्चरर है उसकी सैलरी भी जो बहुत बहुत अच्छी होती है, आपको दूसरी तरफ जो है वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब आपकी जो है वो मेहनत का नतीजा है। ठीक है, किसी की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये आपकी खुद की मेहनत का नतीजा है। पहले तो आप लोग जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई करके, उसके बाद जो है वो आप वेट करते हैं रिजल्ट के आने का, तो ये डबल मेहनत होती है आप लोगों की। और जो चीज जो बच्चा पढ़ाई करता है जो वेट करता है वही इस चीज को जो है वो समझ सकता है। ठीक है, और जिन बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो गया है तो उनको दोबारा से जो है वो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी, क्योंकि ये मौका जो है वो बहुत दिनों बाद जो है वो दिखाई देता है। कई बच्चे जो है बार बार देखते हैं हमारा रोल नंबर तो इसमें नहीं, हमारा रोल नंबर तो इसमें नहीं, मतलब अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा इसमें होगा। तो सभी का जो है वो रिजल्ट इसी तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छा यानी पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। जिन्होंने मेहनत की है सबका जो है यहाँ रोल नंबर आएगा, दो गुना बच्चों में देखो सभी का आ जाएगा। थर्ड ग्रेड का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आप बिल्कुल जो है बेफिक्र रहिए, वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।